अब लगता है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना? क्योंकि अब सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, बात छुपने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम कुछ भी कह लो अरुज, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे सलमान पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। दरअसल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है आज। Really? बच्चे की पैदाइश के बाद मैं फिर से अपने अम्मी अबू को ढूंढने में लग जाऊंगी। और तुम देखना, मैं उन्हें ढूंढ कर ही दम लूंगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। जब तक दुश्मन जिंदा है दुश्मनी खत्म नहीं होती। तो क्या मतलब, दुश्मन को मार देना चाहिए? नहीं, दुश्मनी को मार देना चाहिए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बारात आ गई। बताओ सारा काम वालों को, चना सोन आया है वो भी चश्मा लगा के। लगाओ अंगूठ, अगर नहीं माना तो फिर हमारा बाबा दुराब आएगा। दुराब खान, दुराब खान। यार दरवेश खान को शादी का तोहफा तो दो। तुम हमारा पास है, हमारा कब्जे में। अब तुम चनार खान की बीवी, हम तुम्हारा किंग और तुम हमारा क्वीन। कसम है मुझे मेरे बाप की कि मैं उनका बदला लूंगी। अजय खान, ये लो अंगूठा, जिधर जिधर जरूरत है लगवा लो। तुम बाहर ले जाओ कभी उसे, एंगेज करो, ध्यान बटाओ उसका ताकि उस मुराद के बारे में सोचना छोड़ दे। इनफैक्ट आई हैव टॉक्ड टू अ फैमिली लॉयर, जल्दी उस घटिया आदमी को खुला का नोटिस भेज देंगे। अगर उस लड़की की याद नहीं भूल सकते तो फिर जाओ, जाके गिड़गड़ा के उसके पैरों में बैठ जाओ, माफी मांगो, फिर उससे ले आओ फिर उसको घर। मेरे दिल से उसी दिन उतर गई थी जिस दिन आपके सामने मुझे थप्पड़ मार के इस घर से निकली थी। तो फिर दफा कर आंसू के, खत्म करो ये मामला, मिट्टी डालो। फिर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं तुम्हें ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे देखकर लगता है मेरे लिए मुश्किल है?
नहीं, मगर क्या तुमने एक भी दफा मुझे मुराद के लिए आंसू बहाते हुए देखा है मैं जब से आई? नहीं, मगर ट्रस्ट मी, कुछ तकलीफों का दर्द हमें तब महसूस होता है जब हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अलीजे, अलीजे मेरी बात सुनो प्लीज, दरवाजा खोलो, वी कैन टॉक अबाउट दिस प्लीज। अफदान तुम यहां से जाओ। अलीजे प्लीज, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अलीजे लिसन टू मी, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैंने ये सब क्यों किया। अलीजे डोंट डू दिस, अलीजे प्लीज दरवाजा खोलो। जाओ यहां से। तथा मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलो। कैसी हो रमशा, आओ बैठो। अरे बैठो ना, बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? वैसे तुम्हें तो देख के मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें कुछ ठंडा पीने की जरूरत है। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा खून पी लूं मैं इस वक्त। डार्लिंग तुम बिलावजह गुस्सा कर रही हो, तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। मैं जो किया उससे तुम्हारा बहुत दिल दुख है, लेकिन ऐसे रहने से क्या मिलेगा। एक बार मुझे बात करने का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाना चाहते हो तुम मुझे? सुनने के लिए बचा ही क्या है अफगान? तुम्हारी मोहब्बत के किस्से सुनूं या तुम्हारी शादी के किस्से सुनूं, या शायद तुम अपनी मजबूरियां बताना चाहते हो मुझे? मुझे जब से मिली हो मुझे एतमाद मिला है और यकीन, अब तुम भी यकीन रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बदतमीजी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह आने की? अरे मेरी जान बेवफा, बेवफाओं की तो जान को आ जाता हूँ मैं, हलक में हड्डी बन के फंस जाता हूँ। मोहब्बत करता हूँ अदीम से, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी आपको इसमें एक बेटी नजर आएगी, बहू नहीं। और जिस दिन आप इसको उस नजर से देखेंगी आपको अपने बेटे की चॉइस पे नाज होगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था बिना सोचे समझे आपके घर। तरस आ रहा है मुझे तुम पे, तुम्हारा बदला हुआ लहजा, तुम्हारे बदले हुए अल्फाज। थोड़ी देर पहले तुम मेरे खून की प्यासी थी, लेकिन अभी वीडियो देखने के बाद तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा हो गया ना। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा।